मैं जा रही थी सत्तू भर की लिट्टी बनाने, तो सोची क्यों ना आप लोग को भी साथ में लेकर चले। तो चलिए चलते हैं सत्तू भर की लिट्टी बनाने का। तो ये लहसुन है और ये प्याज है। होता क्या है ना कि लहसुन को छीलने में बहुत दिक्कत होता है, तो छीलने से पहले थोड़ा देर पहले इसको पानी में फुला कर रख दें, उससे क्या होता है कि छिलका आसानी से निकल जाता है। मैं सत्तू भर की लिट्टी बनाने जा रही हूँ। ये प्याज है जो मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया है, ये लहसुन है और ये मिर्चा है। ये सत्तू सबको एक ही में डाल देंगे सत्तू में। ये जवाइन मंगरेल है, जवाइन मंगरेल को ऐसे नहीं डालते, ऐसे पर रगड़ कर। और इसमें नमक डालेंगे आवश्यकता के अनुसार। थोड़ा सा आवश्यकता के अनुसार तेल डालेंगे, बहुत कोई पानी भी डालते हैं लेकिन पानी नहीं डालना चाहिए। जैसे आपको सत्तू भजिया तो 2-3 दिन करके रखेंगे तो पानी डालने पर ख़राब हो जाता है। और नींबू इसका बिया निकाल लेंगे, बीज जो होता है। नींबू भी आवश्यकता के अनुसार डालेंगे। वरना अधिक खट्टा हो जाएगा। इसमें आधी भी डाला जाता है, लेकिन किसी किसी को आधी से प्रॉब्लम हो तो वो ना डालें। अचार का मसाला भी डाला जाता है। अभी मैं थोड़ा सा डालूंगी अचार का मसाला, ज़्यादा नहीं डालूंगी, अधिक यूज नहीं करूंगी मैं, थोड़ा सा। ऐसे थोड़ा टेस्टी लगता है। इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है। हम लोग कभी कभी कितना भी कुछ डाल लें लेकिन टेस्टी नहीं बनता ऐसे, तो क्योंकि हम लोग हाथ से उसको अच्छे तरीके से मसलते नहीं हैं। इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से इसे मसल लेना है। मसल लिए हैं, देखिए कंप्लीट हो गया है। इसको आटा सान चुके हैं और सान कर रख लिए हैं। मैं इसका छोटा छोटा तीन चार तरीके से बनता है। पहले तो एक गोइठा पर का बनता है बिहार में, जो बिहार से होंगे वो जानते होंगे।
जो पोइठा पर बनता है उसको इसी तरह से बनाया जाता है। और हीटर पर भी, जैसे हीटर तो मेरे पास यहाँ नहीं है, हीटर पर भी बनता है तो उसमें जाली रख के बनाते हैं। तो जाली रख के बनाते हैं तो उसको इस तरह से, जैसे तीन चार आप बना लिए, रख लिए, और फिर जैसे एक तरफ पकते जाता है तो उसको उल्टा इस तरह से घुमाते जाए, जिधर पक गया उधर इस तरह से घुमाते जाएंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस तरह से हम पतला करके भी आप चाहे तो तवा पर बना सकते हैं, घी या तेल या फिर रिफाइंड तेल, कोई भी ऑयल लगा करके हम बना सकते हैं। और ऐसे थोड़ा पतला कर करना चाहें तो इसमें थोड़ा कम सत्तू डालें, एक चम्मच या हाफ चम्मच, और इस तरह से पतला करके बेल दें। और ये एकदम पतला पूड़ी जैसा बन जाएगा, ये तो थोड़ा मोटा हो गया, पतला पूड़ी जैसा बन जाएगा। और जैसे सफ़र में कहीं आप जा रहे हैं तो पतला पतला पूड़ी जैसा बनाकर और थोड़ा भुजिया या चाट ले करके भी आप खा सकते हैं। देख लेते हैं पहले तेल गरम हुआ है या नहीं। गरम तो हो गया है। फिर से एक पतला पूरी जैसा बनाकर आप लोग को दिखाएंगे हम। एक गोईठा पर का बनता है, हीटर पर भी बना सकते हैं, इस तरह से छान भी सकते हैं, तावा पर भी आप पतला पतला बना सकते हैं। इसमें जैसे थोड़ा सा पूड़ी जैसा पतला अगर बनाना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे तरह से सत्तू बनाते बनाते कभी कभी बच जाता है, तो बच जाता है तो फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सत्तू बनाते समय पानी नहीं डाला, पानी डालने से क्या होता है कि अधिक दिन वो नहीं रह पाता, ख़राब हो जाता है। ऐसे 1 वीक अच्छा खासा आपका रह जाएगा। ऐसे हल्का हल्का पतला एकदम, पतला पतला कर दे पूरी जैसा, पता ही नहीं चलेगा कि पूड़ी है या सत्तू भर के है। सफर वगैरह में आप कहीं भी जा रहे हैं तो लेकर जा सकते हैं। देख सकते हैं पूड़ी की तरह बन गया एंड फुल भी गया। तो इस तरह से आप पतला पतला पूड़ी की तरह बनाकर कहीं भी सफर में लेकर जा सकते हैं। आई होप आप सबको मेरे लिए पसंद आया हो सत्तू घर, और पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।